ये रोजाना की जो कवरेज करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसा कौन सा केस है जो समझ से बाहर है कि मीडिया जितने उस केस को कवरेज देनी है, यानी रिपोर्टर्स और एंकर्स अगर बाहर खड़े रहेंगे, अंदर जो प्रोसीडिंग होगी उसको कौन रिपोर्ट करेगा? अब किसने ये अहकाम किए ये नहीं बता, लेकिन मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही। जो मकामी रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद के वो भी बाहर खड़े हुए हैं, और जो रोजाना कवरेज करने आते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स हैं वो भी बाहर खड़े हुए, और उनको भी अंदर जाने की इजाजत फिलहाल नहीं है। कोशिश की जा रही है। जैन साहब, क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, जहांगीर में बड़ा हैरान हूँ इस बात में कि वो रिपोर्टर जिन्होंने अंदर जाके प्रोसीडिंग रिपोर्ट करनी है वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो मीडिया पर कैसे खबरें चलेंगी? यानी ये एक अजीब मंतक है कि रिपोर्टर को रोक दिया गया। साहिबा ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको भी अलाउ नहीं किया जा रहा। देखिए, अगर मरियम औरंगजेब साहिबा या मरियम नवाज साहिबा ये कह रही है हुकूमत में रहते हुए, तो फिर इससे ज्यादा मजाका खेल बात नहीं हो सकती। उनकी हुकूमत है, उन्होंने अलाउ करवाना है। ये जो पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पर इस्लामाबाद की, ये शहबाज शरीफ साहब के जेर इंतजाम है। शहबाज शरीफ साहब जो मरियम नवाज साहिबा के चचा है, उनकी हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत नहीं है। हुकूमत की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है। ये इस्लामाबाद की पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पर, इस्लामाबाद की पुलिस रोक रही है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत चाहती है कि इसकी कवरेज ना हो, हुकूमत ने रोका हुआ इन लोगों को, और कोशिश की जा रही है कि अंदर जाने की इजाजत मिल जाए। यहाँ पे जितने भी वुकला हैं उनको भी जाने की इजाजत दी जा रही है, और वुकला की भी आप देखें, वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अब जो लोग रोजाना यहाँ पर आते हैं, यानी ये वकील वो है जो रोजाना यहाँ पर आते हैं अपने केसेस के लिए, और इस केस के अलावा दीगर जो केसेस रूटीन मैटर होंगे वो भी इन्होंने अंदर जाकर जो है वो पूरी करनी है, लेकिन इनको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। यानी हैरानगी की बात यह है कि वो लोग जिन्होंने केस रिपोर्ट करना है और वो लोग जिन्होंने केस पेश करना है वकला, उन दोनों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये किसका फैसला है ये कम अज कम मेरी समझ से बाहर है। ये रास्ता कानून सबके लिए, कानून सबके लिए, मैं कह रहा हूँ कानून सबके लिए। असद उमर भी नहीं जाएगा, असद उमर भी नहीं जाएगा, असद उमर भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, असद उमर सब नहीं जाएगा, कानून सबके लिए। मीडिया रिपोर्ट में भी हम खैर करने थोड़ी आए हुए हैं। नहीं जाएगा, कह रहे हैं हम जाएंगे। रोजाना रिपोर्ट ऐसा इकबाल साहब भी आ गए, ऐसा इकबाल साहब यहाँ पे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वाले हैं वो रिपोर्टरों को नहीं छोड़ रहे हैं। ये ऐसा इकबाल आया है, कानून सबके लिए भाई, कानून सबके लिए। रोजाना मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा, ये असद इकबाल साहब आ गए इसको छोड़ रहे हैं, पहले असद उमर साहब आ गए। मीडिया को कभी जाने दिया जा रहा, हुजूर आपकी हुकूमत है, आपकी ये असद इकबाल साहब देखो इसको जाने जा रहे हैं, ये नहीं छोड़ने जा रहे। जैसे मुल्क के लिए आपकी हुकूमत नजर नहीं आ रही है, चाहिए ये ओपन कोर्ट हियरिंग है, हम आपके साथ हैं यहाँ पे, टीम के अंदर खड़े हैं, हमारी साथ जाना चाहिए। और जो कोर्ट के साथ सर क्यों आगे आ जाए, सर मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। यार कोई रास्ता था दे दो।
यार नहीं यार ऑर्डर दिखाई नहीं तो तोड़ दे ऑर्डर दिखाओ तीन घंटे हो गया कितना कर ऑर्डर दिखाई तो तोड़ देंगे लो इसको ऑर्डर दिखाओ यार ऑर्डर किसने दिया ऑर्डर दिखाओ लो इसको ऑर्डर दिखाने से वरना तोड़ दिया टूट जाएगा तेरा इधर बकला को जाने के अंदर आपके पास लोगों को निकाल इधर से कौन सा रास्ता है यार इधर से नहीं है पास भी कार्ड है भाई क्या है ये देखो कर लो यार भाई उधर से क्यों जा रहे हैं नहीं है तो पीछे हटे ले लो इधर लिस्ट चेक कर लीजिए पीछे हटे क्यों तक ये रास्ता यार चेक कर लो उधर से आ रहे हैं ना उधर से आ रहे हैं ना नहीं यार कुछ हो गया